जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर ये ज्ञान का प्रवाह बह रहा है। इस ज्ञान के प्रवाह को किसी भी परद्रव्य की या प्रभाव की अपेक्षा नहीं है, किसी पराये के सहारे से यह ज्ञान जानने रूप परिणमित नहीं होता। ऐसा जो स्वतंत्र ज्ञान है, ऐसा जो सहज स्वभाव है, इस स्वभाव की सीमा का उल्लंघन नहीं करने वाला मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। राग के विकल्प का आश्रय लेकर जो जानने रूप परिणमित नहीं होता, जिसने विकल्प का भी सहारा नहीं लिया, ऐसा अनंत शक्तिशाली यह ज्ञान भले ही पर्याय में पामरता हो, भले ही क्षयोपशम ज्ञान का उगाड़ अत्यंत कम हो, फिर भी जिसने विकल्प का सहारा नहीं लिया, इसलिए तो निगोदिया का ज्ञान भी ऐसा स्वतंत्र है जैसे सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान। निगोदिया का ज्ञान भी विकल्प का आश्रय लेकर जानने रूप परिणमित नहीं होता, और जिस विकल्प का ज्ञान में अभाव है, उस विकल्प से जानने का कार्य हो कैसे?
जिसका अभाव है, जो ज्ञान की सत्ता में है ही नहीं। ये इंद्रियों के परमाणु जो ज्ञान की सत्ता में ही नहीं है, ज्ञान की सत्ता में अभाव है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बनता। इसलिए जब मिट्टी से मटके रूप परिणमन होता है, तब कुम्हार का हाथ है वह मटके का कर्ता नहीं बनता, क्योंकि मिट्टी के जो परमाणु है उन परमाणुओं में कुम्हार के हाथ का अभाव है। जहां एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, दूसरे द्रव्य का पहले द्रव्य में अभाव है, यहां प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। इसलिए ये जानना ये इंद्रियों से नहीं होता। इसलिए विकल्प से इंद्रियों से ज्ञान की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे ज्ञान दीपक जिनको बहुत भावना है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज का योग है, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आपकी नजर में कोई भावलिंगी मुनि हो तो भावलिंगी मुनि के दर्शन करने ले जाओ। दक्षिण भारत में कहीं भावलिंगी मुनि के दर्शन हो सके तो दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। मगर दक्षिण भारत में यदि तुम्हें भावलिंगी मुनि सामने मिले तो भी पहचान कैसे करोगे? जब तक भीतर में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान यह चैतन्य स्वरूप अनुभव में नहीं आता, तब तक सामने भावलिंगी मुनिराज भी आए तो भावलिंगी मुनिराज भी इंद्रियों के रूप में दिखाई देंगे। उनके शरीर के परमाणु से तुम्हें तरह तरह की कल्पना होगी कि जो देह का ध्यान भी नहीं रखते, तुम्हें पहला विचार ये आएगा कि जो देह का ध्यान भी नहीं रखते, जिन्होंने ये परिग्रह को छोड़ दिया, ऐसे नग्न मुनिराज, जिस मुनिराज के आत्मा के ध्यान की लीनता, वह लीनता तुम्हारी आंखों से तुम्हें नहीं दिखाई देगी। सिर्फ बाहर की क्रिया कि हाथ पर हाथ धरे हैं, पद्मासन की मुद्रा में वे बैठे हैं, शरीर पर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं, पेड़ की छाया के वहां नीचे बैठे हैं, ऐसे मुनि बस ये बाहर का रूप दिखाई देगा। मगर जिस समय चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है और अनुभूति के बाद अब वो मुनिराज के दर्शन होंगे तो वह दिखेगा कि जैसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप यहां मुझे अनुभव में आया है, ऐसा ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में अनुभव में आता है, ऐसे ये भावलिंगी मुनि, तुम्हारा यहाँ का कनेक्शन चैतन्य के साथ होगा तो वहां पर भी जो दर्शन होंगे, वहां मुनिराज जो अंतर में वितराग परिणति को प्राप्त हुए, ऐसे मुनिराज के दर्शन होंगे। जब तक स्वयं को ये ज्ञान, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, तब तक बाहर में कहीं पर भी गुरु की खोज करने जाए, गुरु की पहचान नहीं हो सकती। गुरु का देह दिखेगा, प्रवचन सुनने भी जाए मुनिराज का, प्रवचन का रिकॉर्डिंग करके आएगा, नोटबुक लेकर के जाए, थोड़े पॉइंट्स वहां पर मुनिराज ने जो कहे वो लिख करके आएगा, मुनिराज को देख करके आया, मुनिराज की वाणी को सुन करके लिख करके आया, मुनिराज के दर्शन करके आया,
मगर मुनिराज की पहचान करके नहीं आया। इसलिए कहीं ना कहीं वे मुनिराज तुम्हें अतींद्रिय आनंद का भोग करते हुए तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि बाहर से ही पहचान हुई। दुख को सहन करते हुए एक बार भी तुम्हारे भीतर में ये विकल्प उत्पन्न हुआ, बस ये विकल्प इस बात की निशानी है कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। अरे सब कुछ छोड़ दिया ऐसे मुनि, सब कुछ छोड़ दिया ऐसे मुनि तुम्हारी नजर में आते हैं। नगर मुनिराज को पूछो कि जिसमें से अनंत वैभव में से कोई भी वैभव छूटा नहीं है, कोई भी वैभव आत्मा में से दूर हुआ नहीं, आत्मा में से किसी भी वैभव का हरण नहीं हुआ, अपहरण नहीं हुआ, ऐसा जो परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप है, ये स्वरूप मैं हूं। पराया यदि यहां घर में आए और चोरी करके लूट करके कोई वस्तु लेकर के चला जाए तो ऐसा लगता है कि अरे मेरे घर में इतना धन था, वह धन कोई पराया लुटेरा चोर डाकू वो लेकर के चला गया, क्योंकि घर में से धन कम हुआ है। मुनिराज को यह जागृति है कि कोई पराया मेरा धन लेकर के क्या जाएगा, और पराये का भाव समझते हो भगवान, पराये का भाव यह है कि खुली आंख से मुनिराज को तालाब का वहां दर्शन होता है, खुली आंख से वृक्ष का दर्शन होता है, उस समय भीतर में यह सहज जागृति कि कोई पराया मेरे वैभव को लूट नहीं रहा, कौन पराया, ये जो आंख के ये इंद्रिय के परमाणु, वो तालाब और वृक्ष और पशु पक्षी वह तो दूर, मगर जो आंख के परमाणु है, ये इंद्रियों के परमाणु है, इन परमाणुओं ने मेरे वैभव को लूटा नहीं है। इसलिए सर्दी के दिनों में हो, सर्दी के दिनों में इतनी कड़ी सर्द हो और शरीर पर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं, ऐसे मुनिराज इतनी सर्दी इतनी ठंड के दिन में शरीर में धागे मात्र का परिग्रह नहीं है, और पहाड़ के शिखर पर जहां पर ऊपर देखो तो बर्फ जैसे जम गया हो, ऐसी स्थिति में मुनिराज वहां आत्मा के ध्यान में हर अंतर मुहूर्त में लीन होते हैं, और ये जागृति की मेरा वैभव किसी पराये ने लूटा नहीं है, कौन पराया, ये इंद्रियों के परमाणु। जब तालाब को देखा तालाब को जाना तो ये इंद्रिय ये आंख के परमाणु, ये आंख के परमाणु में ज्ञान ज्ञान गया नहीं, ये इंद्रिय के परमाणु ने ज्ञान को लूटा नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जहां वेदन होता है वहां तो इंद्रियों का वेदन ही नहीं है। इसलिए ये ज्ञान इंद्रियों में यदि लुट करके वहां पर चोरी होकर के गया होता, ये इंद्रियों ने ज्ञान को छीन लिया होता, तो यहां जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में यहां अनुभव में आ रहा ये कौन है। इसलिए मुनिराज को ये जागृति कि कड़ी ठंड में सर्दी के दिन में ये हाथ ऐसे हो सिकुड़ गए, ऐसे शरीर बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चमड़ी हो गई, मुनिराज की दशा का तुमने कभी विचार किया, शरीर की हालत ऐसी कि बाहर में चमड़ी ऐसी सिकुड़ जाए, चमड़ी ऐसी रुखी सुखी हो जाए, सर्दी के दिन है ना, शरीर पर ऐसे सर्दी के दिन में हमने वस्त्र पहने हो तो भी शरीर की हालत कैसी होती है, वस्त्र के ऊपर वस्त्र पहनना पड़ता है, इतने गरम गरम कपड़े पहनने पड़ते हैं, घर में हीटर चालू करना पड़ता है, मुनिराज वहां पर धागे का परिग्रह नहीं, और ऐसी स्थिति में ये जागृति हो, कपड़े को छोड़ दिया है उसका आनंद नहीं है, ये ज्ञान रूपी जो वैभव है
वहां पर जो तिजोरी में महल में हीरे सोने चांदी के वो बाहर के ये मिट्टी धूल उनको वहां पर छोड़ करके आए, वो आनंद नहीं, मगर वो जो वैभव है वो वैभव किसी ने लूटा ही नहीं, वो वैभव छूटा ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय ये ठंड के दिन में ये जब ठंडी ठंडी हवा चमड़ी को छूती है, तो जब ठंडी हवा चमड़ी को छूती है उस समय मुनिराज को कि ये जो ज्ञान का ये शीतलता का जो ज्ञान हो रहा है, ये शीतलता का ज्ञान, ये ज्ञान ये चमड़ी में नहीं गया, और ये ज्ञान का जो अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान का अनुभव तो ज्ञान में हो रहा है, चमड़ी में नहीं हो रहा है, इसलिए अपना वैभव वहां नहीं गया। ये श्रद्धा हो, ये परिवर्तन नहीं आता ऐसा ये त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप। यदि कोई अपने घर में से वैभव चोरी करके लेकर के चला जाए, चोर ने यदि धन को चोरी कर लिया, लुटेरे ने धन को लूट लिया, तो वो जो धन है वो उसके चोर के घर में गया न, तो चोर थोड़ा तो धन वाला हुआ न, क्योंकि अपने घर में से चोर लेकर के गया, तो यहां धन कम हुआ और चोर के घर में वहां धन बढ़ा। यदि ये इंद्रिया ये ज्ञान को चुराती तो इंद्रिय स्वयं जान्य रूप परिणमित होती, क्योंकि ज्ञान रूपी धन इंद्रियों में यदि गया होता तो ये इंद्रिय जान्य लगती, नगर ये परमाणु त्रिकाल जड़ है ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने ज्ञान के संवेदन से ये पहचाना कि इंद्रिया सदैव जड़ है, त्रिकाल जड़ है, इसलिए ज्ञानी को ये राख की दीवार ये मुर्दा दिखता है वर्तमान में, क्योंकि वैभव यहाँ अंतर में अनुभव में आता है, ये ज्ञान वैभव, ये चैतन्य तत्व, ये निज भगवान आत्मा का वैभव ये ज्ञानी को अनुभव में आता है, और वहां इंद्रिय के परमाणु ने इसलिए जो लूटा नहीं जाता। तुम्हें ऐसा अनुभव होगा, तुम ऐसे भेद विज्ञान को देख सकोगे, जहां ये ज्ञान का ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण ये चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप जब तुम्हारी दृष्टि में आए, तब उस ज्ञान को अर्थात ज्ञान की एक समय की पर्याय को भी इंद्रियों में गई ऐसा नहीं देखते। ये ज्ञान को लूटने वाली ये इंद्रिया नहीं है, इंद्रिया नहीं है, इतना ही नहीं, ज्ञान को लूटने वाला वह विकल्प भी नहीं है। अब वो विकल्प जो भी विकल्प आता है ना, तो विकल्प इस ज्ञान को लूटता नहीं है, क्योंकि विकल्प का ज्ञान में अभाव है। प्रवेश करे तो किस द्वार से प्रवेश करे विकल्प, कोई खाली जगह मिलनी चाहिए ना, कोई भी मेहमान बाहर से घर में आए तो दरवाजा, बाकी तो सब जगह दीवार है मगर दरवाजा, वहां तो कुछ अवकाश तो मिलना चाहिए ना, यहां तो असंख्य प्रदेशी अखंड ऐसा भगवान है कि जहां चैतन्य के प्रदेशों में कहीं अवकाश नहीं, ऐसी ये चैतन्य मूर्ति, इसलिए विकल्प प्रवेश करे कैसे, लूट करने के लिए अंदर प्रवेश तो करे मगर प्रवेश हो कैसे, इसलिए जो विकल्प होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति की क्रोध मान माया लोभ के विकल्प के काल में ये विकल्प ज्ञान का हरण नहीं करते, ये विकल्प उपयोग का हरण नहीं करते, ये विकल्प लुटेरा नहीं है, विकल्प पूरे विकल्प अनंत अनंत विकल्प हुए ऐसा हो। परिवार जन ने पूरी जिंदगी लूट ली, ये परिवार जन ये पूरा जीवन लूट लेते हैं, उनके पीछे तुम बस उनके साथ में रहो, उनके साथ में खेलो नाचो कूदो खाओ पीओ जिंदगी, ये परिवार जन ये काजल की काल कोठरी ऐसा ये कहा, ये परिवार जन, मगर यहां तो ये कहते हैं कि परिवार जन ने तेरा वैभव लूटा ऐसा नहीं,
ये क्रोध का विकल्प, मान का विकल्प, ये जो आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये विकल्प भी आत्मा के वैभव को लूटता नहीं है। परिवार जन तो मुझे क्या लूटे, ऐसा पूरा समय बीत जाता है ना, समय पूरा पूरा पर में ही पर में समय गया, ऐसा लगता है पूरा समय पर में देह में बीता, पूरा समय देह में बीता। यह अज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि है कि समय पर में बीता ही नहीं है, समय तो समय में, समय अर्थात ये जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये इंद्रियों में बीती नहीं है, ये ज्ञान की पर्याय ने जो जीवन जिया है, वो जीवन यहाँ वो स्वरूप में जिया, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप की जिस ज्ञान ने इंद्रियों में जीवन जिया ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी ये मानते नहीं कि अनादि से मैं इंद्रियों के साथ में देह के साथ में जीवन जीता हूं। ये ज्ञान ही जीवन, ऐसा ये जीवन। इसलिए इंद्रिय के परमाणु हो या विकल्प हो, ये इंद्रिय और विकल्प ज्ञान का हरण नहीं करते हैं। इसलिए ये शरीर ये ध्यान बार बार परज्ञेयों की ओर जाता है। ऐसा हो, अज्ञानी को ऐसा लगता है तुम मेरी नजर के सामने आए, तुम थोड़ी देर मेरी नजर के सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी ओर ही मेरा ध्यान जाता है, मेरा समय बर्बाद होता है। ऐसा हो, अकेला मैं बैठूं तो अकेले में साधना ज्यादा होगी। हे ज्ञान दीपक, तुम सामने बैठे हो ना, बार बार मेरा ध्यान तुम्हारी ओर जाता है, ये समय बिगड़ता है मेरा, ये समय बिगड़ता है, और बिगड़ता है समय, इसलिए मैं मुनि नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मेरा समय तुम्हारे लिए बिगड़ रहा है, तुम्हारे लिए ये समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए मुनि नहीं हो रहा हूं। ऐसा नहीं है, तुम्हारे कारण मेरा समय नहीं बिगड़ता, तुम्हारे कारण तो समय तब बिगड़े कि ये ज्ञान की पर्याय अपनी सत्ता में से निकलकर तुम्हारे पास चली जाए, तो तुम्हारे कारण समय बिगड़ा, मगर ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान में ही रही, जो तुम्हारे पास गई नहीं, तो तुम्हारे कारण ज्ञान की पर्याय ये समय बिगड़ा कैसे। ये जागृति हो भगवान, ज्ञान की पर्याय ज्ञान की सत्ता में ही रही, और तब तुम्हें होने जगत में भगवान आत्मा एक चैतन्य परमात्मा और कोई भी पराया परद्रव्य, तुम्हारा समय, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा जीवन, ये लूटने वाले लुटेरे तुम्हें दिखेंगे नहीं, कोई छीन लेगा। ऐसा है ये स्वरूप। कोरोना आया, ये कोरोना मनुष्य जीवन को, हमारे मनुष्य जीवन को छीन लेगा नहीं, मगर तुझे किसने कहा कि मनुष्य जीवन तेरा जीवन है, ज्ञान जीवन ही जीवन है, मनुष्य जीवन जीवन नहीं है। जिसमें कोई पराये पुद्गल, ये देह के परमाणु, पराया पुद्गल, आयु कर्म का उदय, और जिसमें पराया पुद्गल निमित्त बना, जो रागादि विकल्प से आयुष्य कर्म का बंध हुआ, वो सब पुद्गल, देह भी पुद्गल, आयु कर्म का उदय भी पुद्गल, और जिन विकल्पों से आयु कर्म का बंध हुआ कि मनुष्य हुआ, वो विकल्प भी पुद्गल, अब पुद्गल, इसलिए मनुष्य जीवन वो मेरा जीवन नहीं, मानव जीवन मिला है वो मेरा जीवन, सम्यक दृष्टि मानते ही नहीं है कि ये मनुष्य जीवन मेरा जीवन है। भगवान आत्मा ये चैतन्य जीवन, इसलिए कोई भी बीमारी आती है तो मेरा जीवन छीन लेती है, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानते, ऐसा है, ऐसा तुम निश्चिंत रहो, आनंद आनंद और आनंद। लोगों को भरोसा नहीं बैठा, तुम्हें यदि कोरोना हुआ हो और तुम ऐसा आनंद भोगते हो,
आनंद को तुम भोगो, वो रिपोर्ट भी तुम्हारा आएगा नहीं, रिपोर्ट ऑटोमेटिक नेगेटिव वो दे देगा। क्यों? क्योंकि जो इतना आनंद में रहता है उसको कोरोना नहीं हुआ, वो इतना आनंद में है, कोरोना होता है वो तो कितना दुखी होता है। तुम आनंद को भोगो, तुम्हारा रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा। आनंद को भोगो, कोरोना नहीं आता। आज ही मुझे कोई कह रहा था, पूछा कि आपको कोई कोरोना वगैरह बीमारी हुई? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोरोना आपको होगा ही नहीं, वो वायरस आपके पास में आएंगे ही नहीं, वायरस आ ही नहीं सकते। यदि वो वायरस यदि आपके पास में आएंगे तो वायरस को धर्म करना पड़ेगा, और इस जमाने में इस जगत में धर्म करना किसको अच्छा लगता है। इसलिए वायरस तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, तुम्हारे साथ में रहने के लिए वायरस को धर्म करना पड़ेगा। ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो उन्होंने कहा, मगर इतना पक्का है कि तुम आनंद में रहो तो वो रिपोर्ट नेगेटिव होगा। वो रिपोर्ट नेगेटिव होगा, वहां पर कागज में नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। तुम्हें ये जागृति होगी कि वो जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट स्वरूप की सत्ता में नहीं है, नास्ती है उसकी। वो जो बात बताई है उसकी स्वरूप में नास्ती है, ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में। ये जागृति सम्यक दृष्टि को सदा काल रहती है। अब मुझे कोई मार नहीं सकता, ये जागृति की मेरा समय तुम्हारे कारण बिगड़ नहीं रहा, मेरी शक्ति तुम्हारे कारण बिगड़ नहीं रही। ये जागृति इस जागृति मैं मुनि नहीं हो रहा हूं तुम्हारे कारण। तुम कहां बीच में फंसे, बीच में कहां आए तुम कि मैं तुम्हारे में फंसा और मेरा मुनि धर्म अटक रहा है? नहीं, मेरा ये ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं गया। ये जो जागृति, इस जागृति के बल पर परिणति निर्मल होती रहती है, वो मुनि धर्म की ओर ले जाती है, अटका नहीं है, वो मुनि धर्म की ओर यात्रा हो रही है। इस जागृति के कारण कि कोई पराया मुझे लूटता नहीं है। ऐसा यहां इतना नजदीक आकर के भी कोई मुझे लूटता नहीं है। चोर घर में आया और पता चलने कि ताला टूटा है, दरवाजा टूटा है, सुबह उठ करके देखे और तुम्हें पता चले कि तिजोरी में जितना धन था उसमें से तो कुछ भी नहीं गया, सब का सब ऐसा का ऐसा है, तो कैसा लगे? अरे वो चोर आया और फिर भी कुछ भी नहीं लूटा, चलो बच गए। ऐसा यहां तो अनंत विकल्प के चोर आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुए और फिर भी ज्ञान के वैभव को लूट करके नहीं गए, क्रोध उत्पन्न हुआ और ज्ञान के वैभव को लूट करके नहीं गया। गया वो गया मगर लूट करके नहीं गया, ऐसा ये वैभव यहाँ है भगवान। ये वैभव का अहोभाव तुम्हें हो कि तुम्हें ये देह तुम्हें नेगेटिव दिखाई देगा, अस्थि रूप नहीं, ये देह तुम्हें नास्ती रूप दिखाई देगा। ऐसे ये चैतन्य स्वरूप, ये भगवान आत्मा, विचार भी तुम्हारा ऐसा हो कि चैतन्य चैतन्य ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, क्या होगा, मुझे आत्मा का अनुभव होगा नहीं होगा, होगा होगा और होगा, ये होगा तुझे अनुभव। तू नई दुकान खोलता है, कहीं कहीं दुकान का मुहूर्त निकाले कि आज इतनी तारीख को इतने बजे ये दुकान का मुहूर्त है, सब मित्रों को रिश्तेदारों को सबको बुलाया है, दुकान का उद्घाटन है आना, और वहां पर कोई ऐसा एक बार भी बोले ना कि ये दुकान कल नहीं चलेगी तो संबंध बिगड़ जाएगा, उसके साथ में मित्रता है वो गड़बड़ हो जाएगी, कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा बोला, और कभी सचमुच नहीं चले दुकान तो वही याद आएगा कि वो बोल करके गया था। मगर ये कि नई दुकान जब खुलती हो तब कोई ऐसा बोले अच्छा नहीं लगता, सोचते भी नहीं
कि कल व्यापार नहीं होगा। अरे दुकान इसलिए खोली है कि व्यापार होगा होगा ऐसा। और भारत देश में तो ऐसा है कि एक व्यक्ति की दुकान कहीं अच्छी चलती हो ना, कहीं पर भी रेस्टोरेंट देखो तो दो दो रेस्टोरेंट पास पास में, क्योंकि एक की दुकान अच्छी चली कि सामने कोई दूसरा खोलने वाला मिलेगा कि इसकी दुकान चलती है तो मेरी भी चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी ऐसा। उसका काम हो रहा है तो मेरा होगा ऐसा हो, ये भारत देश में ऐसा होता है। कोई भी बिजनेस हो, एक व्यक्ति यदि वो दुकान खोलता है दूसरा भी वो खोलता है, नजर में आता है कि इसका व्यापार होता है, कमाई करता है, चलो मैं भी करता हूं, मैं भी ये बिजनेस करता हूं, और उसके ही पास में दुकान खोलेंगे कि उसका व्यापार भी कम होगा और ग्राहक मेरे पास आएंगे, वो देख करके उसके पास में बैठ करके वहां पर व्यापार करते, पान की दुकान हो ना, ऐसे सब प्रकार के, उमराला में तो इतनी दुकान, सब किराने की दुकान एक होगी तो उसके सामने दूसरी दुकान, पान की दुकान एक तो उसके सामने दूसरी पान की दुकान, पूरे बाजार में जो भी एक दुकान खुली कि दूसरी सामने खुल जाती, क्योंकि उसने देखा कि व्यापार होता है, दुकान चलती है तो मैं भी खोलता हूं। नेगेटिव विचार करके नहीं, वहां पॉजिटिव विचार करके, सकारात्मक दृष्टिकोण से कि मेरी दुकान चलेगी मैं खोलता हूं, उसकी चल रही है ना, तो नकारात्मक विचार मत करो कि तुम्हें अनुभव नहीं होगा, होगा, क्योंकि जिनकी दुकान चलती है ऐसे ऐसे हो, उनके सामने बैठ करके दुकान खोलो भारत देश में हो ना, पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव की दुकान चल रही है, अर्थात वे आनंद का इतना भोग करते हैं, और तुम उनके पास में बैठ करके नकारात्मक विचार मत करना कि मुझे अनुभव नहीं होगा तो, अरे तू सामने बैठ और मेरा भी काम होगा होगा और होगा, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा। जब जीव में ऐसी चैतन्य की रुचि जगती है, ये प्रकृति भगवान, ये प्रकृति स्वयं ही व्यवस्था करती है कि अब तुझे यहां नहीं रहना, अब तो तुझे मोक्ष की यात्रा करनी है, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है ऐसा हो, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकता। अपना बेटा यदि किसी पराए बेटे की संगति में रहता हो, जिसके लक्षण ऐसे अपने लिए ऐसा लगता है कि लक्षण ठीक नहीं, कहते ना कि उनके साथ में अपने बेटे को मत भेजना, वो भी बिगड़ेगा, उसके साथ में रह करके अपना बच्चा बिगड़ेगा, उसके जैसे लक्षण हो जाएंगे। प्रकृति में ये व्यवस्था है कि जो धर्मी होता है वो यहाँ रहता ही नहीं, वो रहता ही नहीं, उनकी संगति में रहने वाले शायद दूसरे भी धर्मी हो जाए। प्रकृति कहती है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, यहाँ भीड़ नहीं होती, इसलिए हे ज्ञान दीपक सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुझे होगी। चैतन्य स्वरूप की ऐसी महिमा कि मेरा वैभव किसी पर ने लूटा नहीं है, पर मेरा वैभव लूटे कैसे, पर में मेरा वैभव जाए तो जाए कैसे भगवान, ये अनंत परमाणु ये राख की दीवार के, और अनंत परमाणु में से एक भी परमाणु चेतन नहीं हुआ, बिल्कुल चोर घर में आया, घर में अर्थात आत्मा की एक समय की पर्याय में ये चोर आया, मगर एक समय की पर्याय में वो चोर आकर के भी वैभव को लूट करके नहीं गया, एक समय की पर्याय में ये विकल्प उत्पन्न हुआ, मगर निर्विकल्प जो चैतन्य स्वरूप है उसे विकल्प रूप करके नहीं गया,
वो क्रोध जानने वाला नहीं हो गया, मान जानने वाला नहीं हो गया, ये विकल्प जानने वाला नहीं हो गया। इसलिए मुनिराज वन में ध्यान में लीन ऐसे भावलिंगी संत ये जागृति हो, वो कोई मेरा वैभव कैसे लूट सकता है। ये जागृति सम्यक दृष्टि को सदा काल रहती है। भगवान मेरा वैभव ताड़ के पान पर ये शास्त्र लिखते हो, मगर मेरा वैभव कोई लूट नहीं रहा। ये लिखने का कार्य, अरे ये गृहस्थ कहाँ आ गए, ऐसा नहीं होता। वो विकल्प हो, विकल्प हो कि आत्मा के ध्यान में लीन होना ये विकल्प हो, मगर उस विकल्प में भी अपने ज्ञान को लूटता हुआ वे नहीं देखते। ये जागृति ज्ञान से ज्ञायक की पहचान, ये जागृति विकल्प में जो ज्ञान गया ही नहीं, वो विकल्प जो विकल्प में ज्ञान गया ही नहीं है, वो विकल्प ज्ञान का अनुभव कैसे कराए। इसलिए वो दर्शन नहीं है। यदि पहाड़ के पीछे अग्नि है और जहां तुम खड़े हो वहां तुम्हें धुआं दिखाई देता है, वो जो धुआं दिखाई दिया कि तुमने देखा कि वहां पहाड़ के पीछे अग्नि है, वो दिखाई नहीं दिया, वो सिर्फ धुआं दिखाई दिया है, मगर अनुमान तो किया ना कि वहां अग्नि होगी तो ये धुआं है, मगर वो दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि धुएं का अग्नि में अभाव है, और जिस धुएं का अग्नि में अभाव है उस धुएं से अग्नि की पहचान हो कैसे। अग्नि की पहचान के लिए तो अग्नि का अनुभव चाहिए, धुएं का नहीं। ऐसा इसलिए जो राग का विकल्प है, ये चैतन्य तत्व विचार, ये जो विकल्प हो रहा है ये विकल्प धुआ है। चैतन्य तत्व विचार का विकल्प, ये विकल्प धुआ है भगवान। और उस विकल्प से ये न्यायक जानने में कैसे आए, धुएं से अग्नि जानने में कैसे आए, सिर्फ अनुमान लगाया कि वहां अग्नि होगी। ऐसा चैतन्य तत्व विचार चलता है तो भगवान आत्मा होना तो चाहिए, मगर वो अनुभव नहीं। अनुभव के लिए तो पहाड़ के पीछे जाकर के देखना पड़ेगा, ये राख की दीवार को पार करके इंद्रियों के परमाणुओं के पार, ऐसा जो ज्ञान मात्र उसका दर्शन हो, तब फिर धुएं की ओर ध्यान नहीं जाता। जिसने साक्षात अग्नि को देखा, अब वो धुएं को कैसे, ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा स्वरूप है वो जो अनुभव हुआ। अग्नि का अनुभव तुम्हें तब हुआ जब पहाड़ को पार करके तुम गए, और ऐसा जो व्यक्ति जो अग्नि के पास में अग्नि को देखता हो, अब तुम्हें उस व्यक्ति को देखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें भी पहाड़ के पीछे जाकर के अग्नि को जब तुम देखोगे तो वो व्यक्ति भी तुम्हें दिखाई देगा। उस व्यक्ति को देखने के लिए नहीं, अग्नि को जैसे तुम देखने गए कि वो व्यक्ति वहां है वो दिखाई देगा, मगर जब तक तुम पहाड़ के पीछे नहीं जाते तब तक न तो तुम्हें आग दिखाई देगी न तो आग को देखने वाला वो व्यक्ति दिखाई देगा, सिर्फ पहाड़ और धुआं दिखाई देगा। इसलिए अभी तुम्हें देह दिखाई देता है, राग का विकल्प दिखाई देता है, मगर जिस समय चैतन्य ये ज्ञान अग्नि ये ज्ञान ज्योति दिखाई देगी, उस समय तुम्हें सम्यक दृष्टि सद्गुरु भी दिखाई देंगे, उससे पहले ज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए जिस समय चैतन्य स्वरूप यहां दृष्टि में आया कि भगवान वहां ज्ञानी भावलिंगी मुनिराज वन विहारी संत में पहाड़ के पीछे धुए के पार ऐसे तुम्हें दिखाई देंगे, ऐसा ये भावलिंगी मुनि का स्वरूप है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी का स्वरूप है, ये तुम्हारा भविष्य है,
हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारा भविष्य है भगवान, मगर भविष्य के विकल्प में डूब करके भविष्य नहीं सुधरता, मैं त्रिकाल चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ